नमस्कार, इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हिंदी में घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल लॉ एज इट अप्लाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फंडामेंटल लॉ यानी कि आधारभूत नियम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो नियम है वो मोस्टली सभी गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई होता है। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्रीज। कि जैसे जैसे हम किसी कॉमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, ठीक वैसे वैसे उसकी हरेक एडिशनल की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। अगर मैं आसान सी भाषा में आपको कहूँ तो मैं कहूँगी कि जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते जाएंगे तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारे लिए कम होती चली जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक टेबल के जरिए भी समझा सकती हूँ। यहाँ पर मैंने कॉमोडिटी ली है, टोटल यूटिलिटी ली है और मार्जिनल यूटिलिटी ली है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉमोडिटी में मैंने क्या ले लिया, एक एप्पल ले लिया। एप्पल्स में क्या है कि हमने एक, जैसे मैं कहूँगी कि मैंने एक एप्पल खाया तो मुझे उससे 8 यूटिल के बराबर यूटिलिटी गेन हुई है। अब आप ये कहोगे कि मैंने ये कैसे, कहाँ से अंदाज़ा लगाया, कैसे मेज़र किया कि मुझे एक एप्पल से 8 यूटिल के बराबर यूटिलिटी गेन हुई है। तो यहाँ पर जो अल्फ्रेड मार्शल हैं उन्होंने ये कंज्यूमर के ऊपर ही छोड़ दिया है कि कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन लेवल देखकर यूटिलिटी को अब कोई भी नंबर दे सकता है। अगर आप एक एप्पल खा रहे हो तो आप अपनी मर्जी से उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो, कि आप कह सकते हो कि आपने एक एप्पल खाया तो आपको 10 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिलेगी। थर्ड जो पर्सन है वो कह सकता है कि जब उसने एक एप्पल खाया तो उसको 15 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिली। वो हम सबके ऊपर डिपेंड रहेगा, अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग यूटिलिटी होगी, तो उस टाइम में जो ये टेबल होगी उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो मैंने जब दूसरा एप्पल खाया तो मुझे 14 यूटिल के बराबर यूटिलिटी मिली। थर्ड एप्पल जो खाया मैंने उससे मुझे 18 यूटिलिटी के बराबर एप्पल यूटिलिटी मिली। तो यहाँ पर अब हम जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी पर रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि यूटिलिटी में कितना चेंज आया, और वो हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, टोटल यूटिलिटी से। कि जैसे हमने जब पहला सेब खाया तो हमें क्या यूटिलिटी मिली, 8। दूसरा सेब खाने से हमारी यूटिलिटी जो बढ़कर 14 हो गई, तो कितना चेंज होने से हुई, वो 6 यूटिल ऐड होने से वो 14 हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एक एक्स्ट्रा सेब खाने पर वो कम होती जा रही है। 8 है, 6 है, 2 है, 0 है और -2 है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने पहला सेब खाया था तो अब हमें भूख लगी हुई थी, और जो हमें पहले सेब को खाने में जितना आनंद आया उसको हमने उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा नंबर दे दिए। तो जब हमने दूसरा सेब खाया तो हमारी जो भूख थी वो कुछ हद तक ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए हमें दूसरे सेब से इतना मज़ा नहीं आया, इतना आनंद नहीं आया, उस सेब ने हमें इतना सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं दिया, तो इसलिए हमने उसको कम यूटिल के बराबर यूटिलिटी दी। ऐसे ही जो थर्ड सेब हमने खाया उस टाइम तक हमारी काफ़ी हद तक जो भूख थी वो ख़त्म हो चुकी थी और हमें वो एप्पल इतना टेस्टी नहीं लगा, और इसीलिए हमने उसको 4 यूटिल के बराबर यूटिलिटी दी। तो यहाँ पर देखिए यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, और एक लेवल पर आकर जब हम पूरे, मतलब हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, हमें सेटिस्फेक्शन लेवल गेन हो जाता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और उसके बाद जब हमें और एप्पल की ज़रूरत नहीं है, अगर हम उसके बाद एप्पल खाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी माइनस में चली जाती है, क्योंकि वो हमें इतना पसंद नहीं आता है। और हमने देखा कि जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करेंगे किसी भी कॉमोडिटी की, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती चली जाएगी।
अदर्स नेम, इस लॉ के अदर नेम्स भी हैं, कुछ और नाम से भी इसको जाना जाता है, वो नाम क्या है? फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, और सेकंड क्या है? फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको देना चाहूँगी कि जो ये नियम है, फंडामेंटल जो ये नियम है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको सबसे पहले गोसेन ने दिया था, और कब दिया था? 1854 में, और इसी वजह से इस लॉ को गोसेन फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गोसेन का पहला नियम। इसको आगे फर्दर इलेबोरेट किसने किया है? अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। इसकी है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो कोई भी लॉ है, मार्शल उसमें क्या लेकर चलते हैं कि जो एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं कि वो बातें हमने मानकर चलनी है कि ऐसा हो रहा है। पहला क्या है? यूटिलिटी इज मेजरेबल इन यूटिल, जैसे कि हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, जो भी डिस्टेंस होता है, दूरी होती है जो, उसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक वैसे ही यूटिलिटी को हम किस में मेजर करेंगे? यूटिल में, यानी कि जो यूटिलिटी की मापने की जो यूनिट है, मापने की जो इकाई है, वो क्या होगी? यूटिल होगी। सेकंड क्या है? कंज्यूमर इज रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? विचारवान उपभोक्ता। अगर हम हिंदी में बात करें तो रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है विचारवान उपभोक्ता, यानी कि जो कंज्यूमर है वो बहुत सोच समझ के अपनी इनकम को खर्च करता है, और उसका जो एम है वो चाहता है कि वो अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करे कि उसको कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। कंज्यूमर कौन होता है? जो चीज़ों का उपभोग करता है, जो चीज़ों का यूज़ करता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो उन चीज़ों को बनाता है। कंज्यूमर उन चीज़ों का यूज़ करता है। थर्ड क्या है? आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ अ गुड मस्ट बी कंज्यूम्ड, कि जिस भी हम एक कॉमोडिटी को ले रहे हैं उसकी जो यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, कि जैसे अगर हमने अभी हमें प्यास लगी है और हमने एक गिलास पानी का पिया, तो दूसरा गिलास भी हमारा पानी का ही होना चाहिए, वो ये नहीं हो कि कोल्ड ड्रिंक या जूस का हो गया। तो जो गुड्स की यूनिट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। फोर्थ क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ मनी। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़े डिटेल से इसके एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हो। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर, स्टेबल, की नो चेंज। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है, कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिफ्थ क्या है? कंजप्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस, कि जो कंजप्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा, वो लगातार होगा। ये नहीं है कि हमने एक सेब सुबह खाया, फिर एक दोपहर में खाया, फिर एक शाम को खाया, फिर एक रात को खाया, ऐसे हम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को मेज़र नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम क्वांटिटी को टूटने नहीं देंगे। जैसे ही हमारा पहला सेब ख़त्म होगा हम दूसरा सेब उठाएंगे, दूसरा सेब ख़त्म होगा हम तीसरा सेब उठाएंगे, मतलब उसी टाइम पॉइंट पर ये बात होगी। सिक्स है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि जो भी हम कॉमोडिटी ले रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या कॉमोडिटी ली है? एप्पल। तो एप्पल की जो प्राइस होगी वो कॉन्स्टेंट होगी। कॉन्स्टेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज यानी कि उसकी जो कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। अगर एक एप्पल का जो कीमत है, एक एप्पल की जो प्राइस है, अगर वो 10 रुपये है तो वो 10 ही रहेगी, 10 से 9 या 10 से 11 नहीं होगी। सेवंथ क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी कि जो कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर की जो आय है, वो कॉन्स्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो 100 है तो वो 100 ही रहेगी, 100 से कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो इस प्रकार ये थी एजम्पशंस, ये मान्यताएं हैं कि ये जब मानकर चीज़ें हम चलेंगे तभी ये नियम लागू होगा। इन मान्यताओं के बेस पर ही ये जो लॉ है ये इम्प्लीमेंट होगा, ये अप्लाई होगा। रीजंस फॉर एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जो ये नियम है वो क्यों एप्लीकेबल होता है, उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो पहला कारण क्या है? गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, कि जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी कि पूर्ण स्थानापन, पूर्ण स्थानापन की एक चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ का पूरे तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता।
अगर मान देखिए गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, कि जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती, बल्कि वो दे कैन बी नियर सब्स्टिट्यूट, बल्कि वो उसके बहुत ही पास की सब्स्टिट्यूट होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि हम चाय की बात करते हैं, हमने चीनी वाली चाय बनाई और जो चीनी वाली चाय थी, जब हमें दोबारा चाय बनानी पड़ी तो चीनी जो ख़त्म हो गई तो हमने चीनी की जगह क्या डाल दिया, गुड़ डाल दिया। तो अब चीनी भी मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, लेकिन जो चाय होगी दोनों की उनके टेस्ट में फ़र्क होगा। इट मीन्स कि जो गुड़ है वो चीनी के जगह पर यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब नियर तो यूज़ किया जा सकता है पर परफेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता कि दोनों का टेस्ट सेम होगा। तो यहाँ पर इसीलिए जो कंज्यूमर होता है, जब वो एक ही चीज़ का बार बार यूज़ करता है तो उसकी जो यूटिलिटी होती है उसके लिए वो कम होती जाती है। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन ऑफ स्पेसिफिक नीड। जो भी कंज्यूमर होता है उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक स्पेसिफिक नीड को ज़रूर पूरा किया जा सकता है। तो जो कंज्यूमर होता है, जब उस स्पेशल नीड को पूरा करने के लिए जैसे जैसे वो कॉमोडिटी का यूज़ करता रहता है तो उसकी जो नीड है वो धीरे 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 फुलफ़िल होती रहती है, और जो कंज्यूमर है उसकी जो उस नीड को लेकर जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती रहती है, क्योंकि उसकी जो नीड है वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक वो क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, तो उसको उस चीज़ के लिए जो डिमांड है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद, अपवाद का मतलब क्या होता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी गुड्स हैं जहाँ पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होता है, वो अप्लाई नहीं होता है। उसमें हम देखेंगे मनी एंड एक्सपेंसिव मेटल्स। मनी यानी कि पैसा, हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पास कम से कम पैसा आए, एक बार ज़्यादा पैसा आए उसके बाद फिर वो कम होता जाए, हम ऐसा नहीं चाहते। पैसे एक्सपेंसिव मेटल्स यानी कि एक्सपेंसिव मेटल जैसे कि गोल्ड हो गए, डायमंड हो गए, इनके बारे में जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो कैसी होती है कि ये चीज़ें हमारे पास जितना ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा हमारी लिए इनकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। सेकंड क्या है, गुड्स विच आर इन फैशंस, जो चीज़ें चलन में होती हैं, जो चीज़ें फैशन में होती हैं, हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी रखना चाहते हैं। रीडिंग यानी कि कुछ लोगों को पढ़ने का बहुत शौक होता है, जैसे कि बुक्स पढ़ना, तो उनको लगता है कि जब ये बुक्स ख़त्म होगी तो हम दूसरी बुक्स पढ़ेंगे, दूसरी बुक ख़त्म होगी तो हम तीसरी बुक पढ़ेंगे, तो पढ़ने के पीछे उनकी जो बुक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम नहीं होती है। फोर्थ है लिसनिंग टू म्यूजिक। कुछ लोग म्यूजिक के बहुत दीवाने होते हैं, उनको कोई जब म्यूजिक कोई भा जाता है तो वो उस म्यूजिक को बार बार सुनना पसंद करते हैं। एक्वायरिंग नॉलेज, कुछ लोगों को क्या होता है कि जो नॉलेज गेन करने की एक आदत होती है कि हमने नॉलेज गेन करनी है, चाहे वो न्यूज़पेपर से नॉलेज गेन करनी है, चाहे वो टीवी से नॉलेज गेन करनी है, या फिर उनको एज ए टूरिस्ट बनकर नॉलेज गेन करनी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस की नॉलेज गेन करनी है, तो वो लोग उस नॉलेज को हमेशा ऐड करते जाएंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। वो जो नॉलेज है, जैसे जैसे उनकी नॉलेज बढ़ेगी तो वो कहेंगे कि उस नॉलेज की यूटिलिटी उन लोगों के लिए बढ़ रही है, ना कि वो कम होगी। सिक्स क्या है, रेयर गुड्स। रेयर गुड्स, रेयर कौन सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही कम होती हैं। मान के चलिए कि हमारी एक हॉबी है कि हमने क्या इकट्ठा करना है, कॉइन्स इकट्ठे करने हैं या हमने स्टैम्प्स इकट्ठी करनी है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, रेयर्स होती हैं, जैसे कि पुराने सिक्के हैं, पुराने ज़माने के सिक्के हैं या स्टैम्प्स हैं पुराने ज़माने की। तो हमारे यहाँ पर एक हॉबी है कि हमने इनको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो जैसे जैसे हमारे पास ये बढ़ती जाएंगी हमें खुशी होती जाएगी, हम इनको छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनकी यूटिलिटी क्या है, हमारे लिए बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए हमें क्या पता चला है, इस लॉ को पढ़कर हमें क्या पता चला है कि मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन एज कंजप्शन ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज, कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ की कंजप्शन बढ़ता जाता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है। इस यहाँ से आप नोट्स भी गेन कर सकते हो इस आंसर के,
तो जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो ये नोट्स हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप उस लिंक को ओपन करके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।